वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कृषि वैज्ञानिकों के साथ किसानों को कृषि तकनीकी के प्रचार की अभिनव पहल के लिए वैज्ञानिकों की बात किसानों के साथ विषय पर चर्चा की। गोरखपुर के NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उप कृषि निदेशक संजय सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, कृषि विभाग और किसान एक दूसरे के पूरक हैं। कृषि विभाग द्वारा किसानों के खरीफ फसल की उपज बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है। कोरोना काल में कृषि से संबंधित उपकरणों की बिक्री बढ़ी है और किसानों को नई तकनीकी उपलब्ध हुई है, जिसके व्यापक प्रचार प्रसार की जरूरत है, जिसका लाभ उठाकर किसान अपने फसलों की उपज बढ़ा सके। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप एक बहुत बड़ी उत्तर प्रदेश के किसानों को मिनिमम न्यूनतम हम कार्रवाई करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा काम क्या है, कृषि विभाग का काम ये है कि किसानों के समस्याओं का समाधान किसानों तक ही जाकर के लाभान्वित कर पाते हैं। लेकिन जो 10% को भी करना है उसमें भी हम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते और इसलिए समयबद्ध तरीके से अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार कैसे हम आगे की ओर बढ़ाएं। इस समय पोर्टल खुला हुआ है कृषि यंत्रों का, खासतौर पर आरक्षित समूह का 4 अगस्त को पूरा खुल जाएगा। संभावना यह है कि 4 अगस्त को सामान्य कृषकों के लिए भी और पिछड़े वर्ग के कृषकों का भी खुल जाएगा। हमारे पास सिर्फ अनुसूचित वर्ग का खुला हुआ था, अपने उसी ATM BTM और अपने कृषि तकनीकी को सहायक लगा करके यदि एक एक गांव में 3-4 लोगों से संपर्क किए होते, 5 का टारगेट बना करके, तो 2-3 कम से कम उस गांव में निकल जाते। ऐसा नहीं है कि अनुसूचित वर्ग की सबकी स्थिति इतनी खराब है कि वो कृषि यंत्र न ले सके। हम यदि उसको लाभ के बारे में जानकारी देंगे कि आप अपने खेतों में कैसे कर सकते हो, दूसरे के खेतों में कैसे निराकरण कर सकते हो, तो 50% अनुदान पर आज हम उस कृषि यंत्र को उसको उपलब्ध करा सकते हैं, उन्हें पूरा करना है। दूसरा काम हमारा सोलर पंप का योजना खुल चुकी है। सोलर पंप की योजना जितने भी किसान भाई सुन रहे हैं, पिछले 1-1.5 महीने से मुझे हजारों फोन आए कि कब आपकी सोलर पंप की योजना खुल रही है। अब वो योजना खुल गई है, 2 हॉर्स पावर, 3 हॉर्स पावर और 5 हॉर्स पावर के सोलर पंप। आज आप अपना रजिस्ट्रेशन करा करके जो पहले ड्राफ्ट लाएंगे वो पहले पा सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस साल हम लोगों ने 23,000 सोलर पंप के टारगेट रखे हैं, तो 23,000 सोलर पंपों को यदि हम दिसंबर महीने तक उपलब्ध करा दिए तो रवि के महीने में हम उससे करीब करीब मैं समझता हूँ कि 1,00,000 हेक्टेयर जमीन को हम सिंचाई सुविधा बढ़ा सकेंगे। तो इसलिए प्राथमिकता के आधार पर इस काम को आगे की ओर बढ़ाना, कृषि यंत्रों के काम को आगे की ओर बढ़ाना, साथ साथ में जो वर्मी कंपोस्ट की चर्चा हुई है, वर्मी कंपोस्ट के भीतर जो मैंने पिछले बार भी कहा था और मैं चाहूंगा आज हमारे वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं कि जो कठिनाइयां आ रही है व्यवहारिक उनका निराकरण कर दीजिए, जरूरत पड़ता है तो कैबिनेट के भीतर संशोधन आए जाने का प्रस्ताव भी ला करके उसको संशोधित कर दीजिए, जिससे कि हम उसको बना करके जल्दी आगे की ओर बढ़ाई, जिससे कि हम उससे लाभान्वित कर सकें। अब जब खेती का आज बढ़ा है, दुनिया के भीतर जैविक सामानों का एक्सपोर्ट भी की डिमांड हो रही है और जो जिन लोगों ने जैविक किया है वही साग सब्जियां जो है वो बाहर की ओर जाने में सुगमता हुई है, तो उसी के साथ वर्मी कंपोस्ट का आपका डिमांड बढ़ेगी, तो हम अपने गांव के भीतर हमारे EIFPO बन करके बना करके उसके माध्यम से हम उसका ऑर्गेनिक ये जैविक ये वर्मी कंपोस्ट का भी हम काम आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। मैं चाहूंगा कि इन योजनाओं को तेज गति देते हुए आज इस COVID-19 में आपने ये देखा है कि जहां पर सारे उद्यम बंद हो गए, यहां तक कि हॉस्पिटल भी बंद है और भी बहुत सारे प्राइवेट नर्सिंग होम नहीं संचालित हैं, अधिकांश इंडस्ट्रीज बंद हो गए, लॉकडाउन हो गया उनका, अब धीरे धीरे खुल रही है लेकिन वो भी 20-25% की रफ्तार पर भी काम कर रही है। लेकिन कृषि क्षेत्र ने उस चुनौती का सामना किया है और यही वजह है कि कृषि की विकास दर आज औद्योगिक विकास दर से
आगे की गति से जो सिग्नल्स है वो उससे आगे की ओर जा रही है। ट्रैक्टर की डिमांड बढ़ी है, कृषि यंत्रों की डिमांड बढ़ी है, बिक्री उनकी बढ़ी है, यानी कृषि आधारित रोजगार और उद्यम ये दोनों आगे की ओर बढ़ा है। उसमें हमारे कृषि विभाग की, उद्यान विभाग की, गन्ना विभाग की हम भूमिका है और इन लोगों ने बहुत सबने मिल करके जैसा टिड्डियों के विरुद्ध जो ऑपरेशन चला, मैं भारत सरकार के अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूँ और राज्य के भी अपने अधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ कि रात को 12 बजे भी जरूरत पड़ी तो फील्ड पर गए, जाकर के वहां पर स्प्रे किया, उनका टिड्डियों के दल का नाश किए जाने के लिए छिड़काव कराए। रात को जाकर के उन्होंने परिश्रम किया और किसान भाइयों ने पूरा सहयोग किया। ये कृषि विभाग और किसान ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और मित्र हैं और इस नाते हमें एक दूसरे का सहयोग करके इसे आगे ताकत देनी है। ये शब्दों के साथ मैं बात को समाप्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत